वेलकम बैक जी, खुश आमदीद एक दफ़ा फिर। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इसको हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है, और कोशिश ये कर रहे हैं कि इस बात को बहुत इंटरेस्टिंगली किया जाए ताकि आप लोगों के दिलों में उतरे कि हमें ना सिर्फ अपने रब का हर वक्त शुक्र अदा करना है बल्कि उसके साथ साथ जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनका शुक्रिया अदा कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वो तमाम नेमतें जो आपके पास हैं उनके लिए, और जो कुछ नहीं है इवन उसके लिए शुक्रिया अदा करें। और सबसे बढ़कर ब्रेक पे जाने से पहले जो मैं बात कर रही थी वो ये कि बच्चों की ट्रेनिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो कल के जो हैं वो मेहमान होंगे हमारे मुल्क के, और मुल्क को बनाने वाले होंगे, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से मानी आप ट्रेन करती हैं अपने बच्चों को? अगर आप अच्छा, आई एम सो सॉरी बट मुझे ये कहा जा रहा है कि मैं एक कॉल है इससे पहले कि वो ड्रॉप हो जाए उनको ले लूँ, फिर यहीं से आगे बढ़ाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं सदफ बात कर रही हूँ लाहौर से। कैसी हैं अनुजा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सदफ, क्या कैसी हैं आप और क्या कहेंगी? मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी, आप रमजान में इतना खूबसूरत शो कर रही हैं। जब सुबह देखती हूँ आप, मतलब आपकी एक बात होती है जो हमें सारा दिन याद रहती है, और हम मतलब उसके बारे में सोच रहे होते हैं। अभी जिस तरह से आपने शुक्रगुजारी पे बात की, तो वाकई हम लोग इतनी छोटी छोटी बातों में नाशुक्री कर देते हैं और हमें पता भी नहीं होता हम करें, तो वी रियली हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट इट। और आपकी जो गेस्ट आई है मुहिब्बी हसन, मैं उनसे बात करना चाहूंगी। मुहिब्बी हुसैन जी, जी मुहिब्बी इज लिसनिंग टू यू, बताइए क्या सवाल है आपका। क्वेश्चन आपके टॉपिक से थोड़ा इररिलेवेंट है, लेकिन मुझे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए थी इससे। मुझे इत्तेफाक हुआ थोड़े दिन पहले एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आने के लिए, तो वहाँ पे एक और खातून भी आई हुई थी, और उनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि वो बाहर जब निकले तो क्योंकि उनकी स्किन सेंसिटिव है तो वो सनब्लॉक लगाएं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो सनब्लॉक नहीं लगा सकती रमजान में, ये तो रमजान में मैं कैसे लगा सकती हूँ, तो हराम हो जाएगा, ये तो वो है ही नहीं। तो आई वाज लिटिल अपसेट बिकॉज जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं तो सनब्लॉक लगाती हूँ, तो मैं लेकिन सदफ एक सवाल आपसे मैं करना चाहती हूँ कि उन्होंने सनब्लॉक खाने के लिए तो नहीं ना कहा था? मतलब लगाने के लिए कहा था ना? लगाने के लिए। एग्जैक्टली, बिकॉज लगाने, चले मुहिब्बी हमारे साथ हैं, मैं आप प्लीज कीप वॉचिंग द शो, आपको जवाब मुहिब्बी देंगे इस हवाले से। आई मीन मैंने ये तो ये कभी बात नहीं सुनी कि बहुत होता है कि हम जो है खासतौर पर रमजान में ये बात बहुत आती है कि हम लोग कहीं भी, मैंने भी बहुत देखा है कि जितनी भी खातून है जो मतलब इस चीज़ का इश्यू उठाती हैं कि हम मेकअप तो बहुत दूर की बात, सनस्क्रीन कोई क्रीम ही नहीं लगाएंगे, व्हाट वुड यू लाइक? नहीं, बिल्कुल ऐसा इस्लाम की रूह से ऐसा नहीं है। इस बात को हालांकि इन्होंने कहा कि ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा रिलेट कर दूं कि एक मरतबा एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, तो आपने देखा कि उसका जो हुलिया है, यानी कि उसने अपनी कोई सही तरह दाढ़ी नहीं बनाई हुई थी, बाल परेशान थे, लिबास खस्ता था, तो रसूलल्लाह ने कहा कि तुम में अल्लाह ताला, क्योंकि वो जानते थे कि उसके पास मालो मताब भी था, ये भी नहीं कि कोई बहुत बुरे हालात में था, तो रसूलल्लाह ने कहा कि तुम्हारे जो हुलिया है उससे जाहिर होना चाहिए कि तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हो, और जो नेमतें उसने तुम्हें दी हैं वो उससे डिपेक्ट होनी चाहिए, डिस्प्ले होनी चाहिए, तो ये एक शुक्रगुजारी का तरीका है। और आपको पता है सफाई नस्फ ईमान है, पर्सनल हाइजीन तो वैसे ही, और जहाँ तक औरतों का अपनी जीनत का ख्याल रखने का, स्किन का ख्याल रखने का या मेकअप करने का ताल्लुक है, बनाओ सिंगार जो है वो इस्लाम में बिल्कुल जायज़ है, और उसमें किसी किस्म की ममानियत नहीं है। स्पेशली अगर जिस तरह इन्होंने बताया कि उनकी स्किन के लिए कोई चीज़ पिगमेंटेशन का मसला हो जाता है या सन रेस सेंसिटिव है, तो उसमें कोई भी ऐसी ममानियत नहीं है, ना ही वो हराम है। और ख़ास तौर पे अगर आप रमज़ान में देखें तो इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, डे टू डे लाइफ में भी और रमज़ान में भी स्पेशली इससे कोई किसी किस्म की डिस्क्रिप्शन उसका वो नहीं है कि उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि यह हराम है या ममनू है कुरान और हदीस की रोशनी में। और यहाँ पे बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, और वो बात ये है कि हम अपने मज़हब को, अपने दीन को इस कदर तंग कर देते हैं, जबकि ये एक इतना वसी दीन है, दुनिया की हर आसानी इस दीन के अंदर दी गई है, चाहे मर्द हों, समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, और चाहे औरतें हों, दोनों को बहुत आई थिंक फ्रीडम दिया गया है। इट्स रिलीजन ऑफ कन्वीनियंस। कुरान में कहीं भी हमारे इस्लाम में या कुरान में इतनी सख्ती है ही नहीं, सही कि आप बल्कि कितनी जब बात हो रही होती है किसी भी खातून से
उनके हस्बैंड्स कहते हैं कि आप सिंगार करें या अपने आप फेस सही करें, इतने उनके स्किन ख़राब हो चुकी होती हैं, लेकिन उनको एक ही बात पे होता है कि नहीं ये हराम है, ये कुरान में हराम और हलाल के अंदर ज़रा थोड़ा इस्लाम में असल में दुनिया में तर्क करने का कहीं भी दुनिया को तर्क करने का हुक्म कहीं नहीं दिया। और आपको याद होगा जब हम लोगों ने आपके साथ किया था शो फर्स्ट टाइम जो टॉपिक्स के हवाले से, तो हमने दीन और दुनिया किस तरह से बैलेंस रखना है उसकी बात की थी। इस वक्त हमारे साथ सायरा हैं जी हरिपुर से, कॉल पे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम अरूज। सारा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? ठीक है करम अल्लाह का जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ आज हमारी गेस्ट हैं सैयदा मुहिब्बी हुसैन और मेरी सहेली मानी। कुछ कहना चाहेंगी? जी मैं, मुझे आपका ये इस वक्त टॉपिक बहुत अच्छा लग रहा है, और ये मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि हमारे साइड पे, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ ना, श्रीकोट नाम है मेरे गांव का, ठीक है, और यहाँ पे लोगों का ये कंसेप्ट है ना कि सुरमा लगाने से या लिपस्टिक लगाने से रोजा जो है वो छूट जाता है या इस तरह वो तो काफी लोगों में मतलब ये है ना, अब हम लोग तो जाहिर नहीं करते इस बात पे इतना बिलीव, लेकिन यहाँ के लोग जो है वो ज्यादा इस बारे में करते हैं ना कि नहीं सुरमा नहीं लगाना और लिपस्टिक नहीं लगाना। एक सेकंड मेरे साथ लाइन पे रहें, इससे पहले कि मुहिब्बी आपको जवाब दूं मैं एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगी। बस दिल के अंदर नेक नियति होनी चाहिए, दिमाग आपका क्लियर होना चाहिए, और जो बेसिक चीज़ें हैं वो अगर ठीक होना तो अल्लाह की ज़ात तो बहुत बख्शने वाली है, और अगर हम इन चीज़ों की तरफ आ जाएं कि हम ये करेंगे तो ये होगा, तो फिर तो आप ये सोच लें कि दिन में हम क्या क्या करते हैं, हमारा कोई रोज़ा शायद ना हो सके जो जो हम लोगों के अमल हैं। आई थिंक हम लोगों को क्लियर होना चाहिए, वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, और वो ज़ात है जो बख्शने वाली, हम बहुत गुनाहगार हैं, बस आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव टू से मुहिब्बी। बिल्कुल, रोज़ा जो है वो बर्दाश्त का सबक देता है, और इसमें बर्दाश्त ये है कि आप खाने पीने से ममानत करते हैं सुबह से रात तक, शाम तक जब तक सूरज ग़ुरूब होता है। इसके अलावा रोज़े में यह है कि आप नमाज अदा करें, ज़ाहिर है क्योंकि वो पहला हुक्म है और रोज़ा उसके बाद है। उसके अलावा जहाँ तक मेकअप ना करने का ताल्लुक है या उसका ताल्लुक है, जैसे मैंने पहले कहा इसका रोज़े से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए कि जब आप इस तरह की कोई बात करते हैं तो बहुत सी ऐसी ख्वातीन होंगी जो कि शायद मेकअप के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती डेली लाइफ में, तो हो सकता है कि वो रोजे से ही जो है वो कट ऑफ हो जाए। और वो सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बल्कि पेस्ट करने के ऊपर भी बहुत होता है कि हम रमजानों में पेस्ट भी नहीं कर सकते और लिपस्टिक, लेकिन चलो वो एक इस तरह की चीज है कि चलो लिपस्टिक का भी होता है ना कि मुंह में चली जाएगी या लगते हुए कुछ होगा। एक हदीस है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो आप मिसवाक करके, क्योंकि ज़माने में मिसवाक की टर्म यूज़ होती थी, मिसवाक करके जो आप नमाज पढ़ते हैं वो 70 गुना उससे ज़्यादा मोतबर है उस नमाज से जो आप बगैर मिसवाक के, तो इन्नमल अमालु बिन्नियात। बिल्कुल नीयतों की बात है जी। एक और कॉल है मिसेस साहिर की मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी मिसेस साहिर, हाउ आर यू, कैसी हैं और आपका अपना नाम क्या है? हेलो मिसेस साहिर कहीं इधर उधर हो गई। अच्छा मेरा ख्याल है उनका सवाल भी कुछ इसी तरह से था जो अभी आपने बात की। अच्छा मिसवाक की आप बात कर रहे थे कि मतलब वही नियतों की बात है, और आई थिंक अच्छा बच्चों की ट्रेनिंग के हवाले से, शुक्रगुजारी बच्चों की ट्रेनिंग के हवाले से मानी, हाउ डू यू ट्रेन? आप मुझसे बात करती हैं कि हम लोग जो बाहर रहते हैं उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है बच्चों, क्योंकि बाहर रहने वाले लोगों के इर्द गिर्द का इतना माहौल इस्लामी जो नहीं एक होता। नहीं होता, तो हम लोगों पे जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है क्योंकि दूसरे रिलीजन भी है वहाँ। मैं यहाँ पे एक बात कहूँगी, इस्लामी माहौल नहीं होता मगर जो इकदार हैं इस्लाम की वहाँ पे वो होती हैं, इंसानों का, जानवरों का, तमाम सही है, लेकिन हमारे ऊपर ये है कि हमें घर से जो होम एजुकेशन है, होम ट्रेनिंग बच्चों को ज़रूर देनी है। जहाँ पे आपने आज शुक्रगुजारी का लिखा है, तो मैं अपने बच्चों को सबसे पहले यही घर से स्टार्टिंग से यही है कि खाना ख़त्म हुआ, शुरू हुआ तो बिस्मिल्लाह, ख़त्म हुआ तो अल्लाह का शुक्र किया है। उसके अलावा जो जैसे वहाँ के बच्चों में भी और यहाँ के, खैर मैंने बच्चों में बहुत देखा है कि एक दोस्त के पास कोई चीज़ है अभी उससे दिल भरा नहीं है तो वो कहते हैं हमें उसकी तरह की वो चीज़ चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है माओं को बच्चों को कहना कि नहीं जो तुम्हारे पास है उसके पास नहीं है, तुम्हारे पास जो है तुम उसको शुक्रगुजारी जो है उसमें खुश रहो, फिर बाद में अगर हुआ और कुछ ऐसा हुआ तो हम, लेकिन किसी के कॉम्पिटिशन में
नहीं जाना चाहिए, उससे बच्चों में बहुत एक कहते हैं ना कि बिल्कुल शुक्रगुजारी नहीं आती। अच्छा ये वही बात है कि जैसे हसद जो है एक रूहानी बीमारी है, जैसे हमने रूहानी बीमारियों पे हमने बात की थी, तो हसद एक रूहानी बीमारी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल से जो फरीज़ा है माँ बाप का, और जो आजकल के माँ बाप और हम लोग आजकल की माएँ जनरली भूल जाते हैं, इसलिए कि ज़्यादातर माओं का फोकस होता है बच्चों को अच्छा खिला दिया, पिला दिया, पहना दिया, अच्छे स्कूल्स में डाल दिया, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं नो डाउट, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों के साथ बैठें, उनको थोड़ा टाइम दें, बेशक 5 मिनट आप दिन में दे दें या आप हफ्ते में एक दिन रख दें, अगर आप बहुत बिजी हैं आधा घंटा एक घंटा थोड़ा सा उनके साथ एक सेशन ज़रूर करें, एक हार्ट टू हार्ट टॉक करें इस तरह की चीज़ों पे, क्योंकि ये चीज़ें इंसानी फितरत का हिस्सा हैं, ये जो कंपैरिजन है दूसरों को देखना हसद करना, अब वो बच्चा मासूमियत से दूसरे की चीज़ देखेगा कंपेयर करेगा, अब उसको ये बताना वो बाउंड्री ड्रॉ करना हमारा फ़र्ज़ है कि बेटा कहाँ पे ये चीज़ जो है वो हसद में चली जाती है और एक नेगेटिव चीज़ है। शुरू से ये चीज़ें जो हैं वो इंसान के अंदर ग्रो करती जाती हैं करती जाती हैं, तो एक माँ के हैसियत से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि माँ के कदमों तले जन्नत है, और ये बहुत ज़रूरी है, तरबियत का पार्ट है कि आप बच्चे को ये ज़रूर बताएँ कि यहाँ पर ये चीज़ नेगेटिविटी, जहाँ आप देखें कि वो चीज़ नेगेटिविटी में जा रही है बच्चे में, आप उसको ज़रूर बताएँ कि बेटा जो जो उससे याद कराएँ, बहुत ज़रूरी है कि जो जो नेमतें तुम्हें अल्लाह ने दी हैं, जैसे तुम्हारे रिश्ते माँ बाप जो जो कुछ तुम्हें मिला है, वो सब चीज़ें उनकी शुक्रगुजारी बच्चों में भी पैदा करें, जो जो हम बात करें यहाँ बैठ के जिन वैल्यूज़ पे बात करें, बहुत बहुत बड़ा सदका जारिया है औलाद, अगर अच्छी नेक औलाद और आप उनकी साले तरबियत करें और वो दुनिया में नेकी फैलाएं, तो इंसान के मरने के बाद भी वो एक उसके लिए सवाब का बायस रहती है। तो एक माँ की हैसियत से ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को ये चीज़ ज़रूर बताएं कि शुक्रगुजारी क्या है, हसद क्यों इतनी बुरी चीज़ है और उसके क्या नुकसान हैं और किस तरह वो इंसान को खुद ही डैमेज करती रहती है अंदर से, तो ये बताना और ये डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक लेके हसद के हवाले से बिल्कुल बात करेंगे। अली की कॉल है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जी। जी अली साहब क्या कहेंगे? जी एक तो ये कहना था कि आपका शो बहुत अच्छा है और हम सारी फैमिली ऑलमोस्ट को डेली देखते हैं। शुक्रिया जी। और दूसरा ये कि मैंने क्वेश्चन पूछना था कि कल मेरी तबीयत बहुत खराब थी और जिसकी वजह से मैं डॉक्टर के पास गया हूँ और उन्होंने कहा कि जी आपको इंजेक्शन लगेगा और वो फीवर वगैरह हुआ होता, तो उसने मैंने कि मैंने कहा कि मेरा रोजा, तो उन्होंने कहती कि रोजा जो उनसे आपका खत्म हो जाएगा तो आप बाद में रोजा रख लीजिएगा। अब कुछ लोग मुझे उसमें कह रहे हैं कि हम मुझे बाद में जो उनसे वो 60 रोजे रखने पड़ेंगे, तो क्या इसमें क्या सही थी, क्योंकि मैंने जानबूझ के तो रोजा नहीं छोड़ा। ठीक है, 60 रोजों से डर गए? मैंने की एक चीज क्लियरिफाई करना चाहता हूँ कि इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ नहीं बल्कि टेलीविजन पे हमें सुनिए। जी मुहिबी, 60 रोजे एक रोजा तोड़ने का? जी एक तो इस पर मेरे ख्याल, मेरा जहाँ तक जो मैंने रिसर्च की है इस पर जितना पढ़ा है मेरे इल्म के मुताबिक, एक तो यह है कि अगर बीमारी की वजह से रोज़ा टूट जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ आप पे कर्ज है, कज़ा है, आप उसको बाद में रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर तो इन्होंने जैसे जोहर के बाद ये हुआ, इनको इंजेक्शन लगा और इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, तो वो रोज़ा कबूल होगा क्योंकि इनकी नीयत थी। अगर इन्होंने उसके बाद भी इन्हें कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेडिकेशन नहीं ली, तो जैसे गलती से या अगर आप मतलब बिल्कुल इनएडवर्टेंटली आप कुछ खा लें तो उसका आपको गुनाह नहीं होता और आपका रोज़ा जो है वो कबूल हो जाता है। वही बात है इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आपके आपकी नीयत तो थी अल्लाह, और अल्लाह ताला कहता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा, और वो ज़ात जो हमारे तमाम गुनाहों पे पर्दा भी डालती है, मगफरत भी करती है, बार बार कहती है तौबा का दरवाज़ा खुला है, इतनी छोटी छोटी चीज़ों से अल्लाह ताला जो है वो आपका सवाब जो है वो कभी भी आपसे जुदा नहीं करता। तो अल्लाह ताला पे भरोसा रखिए, आप एक कर्ज़, अगर आपको 60 रोज़े वाकई मुश्किल है, आप एक रोज़ा उसका अदा कर सकते हैं कफारे के तौर पर। और जहाँ तक वो 60 का आई थिंक उन्होंने थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट किया, यूजली होता है अगर आप ना रख पाएँ तो आप 60 रोज़ेदारों को अफ्तार करा दें, 60 मिस्कीनों को जिनके पास उस वक्त का एक वक्त का खाना ना, एक वक्त का खाना आप उनको खिला दीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, क्योंकि आप बहुत आराम से अगर आप किसी को पेट भर के रोटी और दाल भी खिला दे तो 60 लोगों को आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर ना कर सके तो एक रोज़ा रख लें। एंड आई थिंक टुवर्ड्स द एंड आई जस्ट वांट टू से कि अल्लाह की ज़ात जो है वो रहमान है और रहीम है, और उसकी रहमानियत और जो रहीम जो सिफ्त है, जो खासियत है, उसको अगर जहन में रखें और उससे माफ़ी मांगें, और इसमें तो मेरा ख्याल है आपका कसूर भी नहीं है, तो ज़ाहिर बात है, तो अल्लाह की ज़ात बहुत अताएँ करता है, बहुत सारी
ज़िंदगी आसान हो सकती है, तो मेक योर लाइफ वेरी इजी। रिलीजन को इतना सर पे सवार उस तरह से नहीं करना चाहिए कि आपके लिए ज़िंदगी गुजारना बिल्कुल मुश्किल हो जाए। और एक बात और, सॉरी मैंने, हमें ब्रेक पे जाना है। अच्छा। जो बात आपने करनी है वो हम ब्रेक से वापस आके करेंगे। मेक योर लाइफ ईजी और दूसरों की भी ज़िंदगी आसान बनाएं, और दूसरों की अगर आसान बनेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी आसान हो जाएगी। रुकना है यहाँ पर ब्रेक के लिए। थैंक यू मुहिबी फॉर ज्वाइनिंग अस। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे, और आपसे मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। اللهم صل على